हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैंड नॉलेज में। पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए 300 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा। पानीपत दब वाली हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सरकार 80 लाख रुपए मंजूर कर चुकी है। इस हाईवे का फायदा न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब को भी होगा। हरियाणा के पानीपत जिले से लेकर सिरसा जिले की डब वाली तहसील तक इस हाईवे के बनने से यूपी से राजस्थान के पश्चिमी हिस्से और पंजाब जाने में कम समय लगेगा। फिलहाल हरियाणा के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक कोई भी सीधा फोरलेन हाईवे नहीं है। 300 किलोमीटर लंबा यह हाईवे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और करनाल से होते हुए पानीपत पहुंचेगा। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला से शुरू होकर यह फोरलेन हाईवे डब वाली, कालावाली, रोड़ी, सरदुलगढ़, हांसपुर, रतिया, भूना, सनियाणा, उकलाना, लितानी, उचाना, नंगूरा, असंद, सफीदों होते हुए पानीपत तक बनाया जाना प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार इस हाईवे को लेकर काफ़ी गंभीर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र से यह हाईवे गुजरेगा। इस राजमार्ग के निर्माण से हरियाणा में परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।